big news is coming from Bay Town and the news itself is so big that I need to tell. न्यूज ये है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान के बारे में तो लगभग सभी जान चुके हैं, ये 2022 में आएगी और इसकी शूटिंग भी फिलहाल चालू है। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि पठान के बाद शाहरुख खान की जो फिल्म है उसमें राजकुमार हिरानी के साथ करने वाली फिल्म का ज्यादा नाम आता है और राजकुमार हिरानी आप मान के चलिए कि वो ऐसे साजा से कम नहीं तो ज्यादा भी नहीं है। ही मेक्स सच ब्यूटिफुल मूवीज, ही इज ए वेरी वेल नोन एडिटर एंड ऑल्सो द डायरेक्टर। तो राजकुमार हिरानी के साथ जो उनकी फिल्म होगी शाहरुख खान की, जो एक सोशल ड्रामा होगी, जो जहां पे एक पंजाबी सिटीजन जब कनाडा जाता है तो इमिग्रेशन वाला जो एक मुद्दा है उस तरह की चीजों पर ये थोड़ी फिल्म है और बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है। और इस फिल्म की हीरोइन लगभग फाइनलाइज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तापसी पन्नू जिनके पास लगभग फिलहाल बहुत सारी फिल्म है, लूप लपेटा नाम की उनकी जो फिल्म है उसकी शूटिंग उन्होंने हाल ही में कम्प्लीट की है। इसके अलावा उनकी फिल्म है मिथाली राज जो एक बायोपिक है क्रिकेट फीमेल क्रिकेट मिथाली राज के ऊपर, और अभी कल ही उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की थी वो लड़की है कहाँ, उसमें तापसी पन्नू भी है और प्रतीक है ना, प्रतीक जो हमारे जो लीड हीरो थे स्कैम 1992 के वो है प्रतीक गांधी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि तापसी पन्नू किस तरह से, या पहली बार आपको पता ही है शाहरुख खान के साथ काम करी, तो रीजन यहाँ पे ये है कि शाहरुख खान ने एक फिल्म बैकअप की थी, एक बनाई थी मतलब प्रोड्यूस की थी बदला नाम की, जिसमें तापसी पन्नू थी और अमिताभ बच्चन थे। तो मेरे ख्याल से उसके बाद ही शायद शाहरुख खान ने ये कहा होगा, तापसी का नाम शायद रिकमेंड किया होगा या राजकुमार हिरानी खुद तापसी का नाम रिकमेंड करे होंगे, वट एवर इट मे बी। बट यस, इट्स वेरी मच ऑफिशियल नाउ कि तापसी पन्नू विल बी देयर विद शाहरुख खान एंड राजकुमार हिरानी स्नैक्स। सो पठान के बाद शाहरुख खान राजकुमार हिरानी की फिल्म लगभग करने वाले। सो दिस इज सर्टेनली ये बिग न्यूज फ्रॉम बी टाउन। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को भैया सब्सक्राइब करना तो ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल कितना है।